नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अदर कंट्री का VPN यूज़ करने पर क्या पबजी को आप फिर से खेल पाएंगे, और साथ ही पबजी इंडिया में क्यों बैन हो गया है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल बहुत से लोगों का मानना है कि पबजी साउथ कोरियन ऐप होने के बावजूद भी इंडिया में क्यों बंद कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि पबजी को सबसे पहले साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने तैयार किया था। ये गेम सबसे पहले PCs के लिए तैयार किया गया था। जब ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, उसके बाद चाइनीज़ कंपनी Tencent गेम ने साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल के साथ एग्रीमेंट किया और पबजी गेम को मोबाइल के लिए विकसित किया। इस कारण से पबजी पूर्णतः चाइनीज़ ऐप ना होने के कारण भी इंडिया में बैन कर दिया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत लिया है। आपको बता दें कि इस संबंध में मंत्रालय को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 118 ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। इनको भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्थाओं के लिए खतरा माना गया था। भारत में पबजी के 3.3 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। आप जानते हैं कि अदर कंट्री का VPN यूज़ करने के बाद भी क्या आप पबजी को खेल पाएंगे? इसका आंसर है नो, नहीं। जी हाँ, आप अदर कंट्री का VPN यूज़ करने के बाद भी पबजी को नहीं खेल पाएंगे। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स व्यूज़ और लाइक्स पाने के लिए आपको अदर कंट्री का VPN यूज़ करने के लिए कहेंगे, लेकिन VPN यूज़ करने के बाद भी पबजी नहीं चलेगा। पबजी बैन होने से बहुत सारे गेमर और गेम वर्ल्ड को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन देश की आन बान और सुरक्षा के सामने ये नुकसान कुछ भी नहीं है। देश की सुरक्षा और आपके डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। आप भी सरकार का साथ दें। आप समझें कि डेटा की चोरी बहुत बड़ी चोरी है। आपका डाटा कितना महत्वपूर्ण है ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आपके मोबाइल में किस तरह का पर्सनल डाटा है, क्या डाटा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर ये दूसरे लोग चुरा के मिसयूज़ करने लगे तो आपको भारी नुकसान होगा, इसलिए सरकार का साथ दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।